चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम फाटा के आसपास में भाकपा माओवादी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ की घटना में पुलिस को भारी मात्रा में सामग्री हथियार और सामान बरामद हुए हैं। यह जानकारी एसपी राकेश रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। आइए जानते हैं कि एसपी ने क्या जानकारी दी है। हमें गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि हंटरगंज एवं वशिष्ठ नगर थाना क्षेत्र में माओवादियों का एक दस्ता गौतम पासवान, इंदल, नीरू इत्यादि के नेतृत्व में लगातार भ्रमणशील है। उसी गुप्त सूचना के क्रम में कल हमें एक स्पेसिफिक इंट प्राप्त हुआ था, जिसके आलोक में झारखंड पुलिस कोबरा 203 बटालियन, झारखंड जगुआर एवं CRPF के द्वारा एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया था। इस ऑपरेशन में जैसे ही पुलिस बल वहाँ पर पहुँची तो माओवादियों ने पुलिस बल को लक्ष्य करके फायरिंग शुरू की। जवाब में हम लोगों ने भी फायरिंग की है। दोनों ही पक्षों के बीच में काफ़ी देर तक मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद माओवादी वहाँ से भाग खड़े हुए। जब हमने वहाँ पर सर्च अभियान चलाया तो हमें वहाँ से एक इंसास राइफल, 4 इंसास की मैगजीन, 1 इंसास LMG की मैगजीन, लगभग 200 राउंड जिंदा कारतूस एवं अन्य कई सारे दैनिक उपयोग की सामग्री, वायरलेस सेट, ID बनाने का सामान, डेटोनेटर इत्यादि बरामद हुए हैं। वर्तमान में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है और अभियान अभी भी जारी है। क्या लगता है सर, हमको जी किसी का घायल होने का सूचना है? गोलीबारी हुई है, हो सकता है कि माओवादी की तरफ से कुछ लोगों को गोली लगी हो। मैं इस अपॉर्चुनिटी पे एक बार फिर से जितने भी माओवादी हैं उनसे ये अपील करूंगा कि झारखंड पुलिस की नई दिशा आत्मसमर्पण पॉलिसी का फ़ायदा उठाएं और समय रहते आप लोग आत्मसमर्पण कर दें, अन्यथा आप लोग किसी न किसी दिन पुलिस की गोली का शिकार बनेंगे। धन्यवाद।